Hello, bachcho, Let's see this question. The question says the oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of options am one molecule of three carbon compound, one molecule of six carbon compound, one molecule of three carbon compound, and one molecule of two carbon compound, and two molecules of three carbon compound. So the key concept here is Rubisco enzyme. इसके फुल फॉर्म है राइब्यूलोस बिस्पॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस एंजाइम यानी ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी यानी इसके पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं फॉर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जब ये एंजाइम ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करता है तो उस टाइम पे राइब्यूलोस बिस्फेट यानी आर यूबीपी ये कंबाइन कर जाता है विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम और बन जाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि टू कार्बन कंपाउंड है और इस पाथवे को हम कहते हैं सो सुनाओ क्वेश्चन में पूछा है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटोरेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड है वन मॉलिक्यूल ऑफ सिक्स कार्बन कंपाउंड ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड है वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन कंपाउंड ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में जब एंजाइम ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से आर यूपीपी कम्बाइन कर जाता है विद ऑक्सीजन और बना देता है फॉस्फोग्लिसरेट जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि टू कार्बन कंपाउंड है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लास्ट ऑप्शन है टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड तो ये बिन करेक्ट हो जाएगा सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन कंपाउंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक